उनकी स्कूलिंग गांव से ही हुई और ग्वालियर के मुरार कॉलेज यानी जीवाजी यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। सतेंद्र बताते हैं कि वो स्कूल से छुट्टी होने के बाद गांव में ही बेसली नदी में तैरने की प्रैक्टिस करने लगे। ये सिलसिला लगातार सालों तक चलता रहा। इस दौरान घर की माली हालत और खराब होती गई, अतः पिता को गांव का घर और जमीन बेचनी पड़ी और पूरा परिवार ग्वालियर में रहने लगा। इतना ही नहीं, सतेंद्र के पिता ने इनको पढ़ाने के लिए मजदूरी भी की। इसी बीच सतेंद्र की मुलाकात लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा संस्थान के तैराकी विभाग के प्रमुख श्री बी के डबास जी से हुई, जो दिव्यांग बच्चों को राष्ट्रीय पैरा तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए फ्री प्रशिक्षण देते थे। सतेंद्र ने वहां पर टेस्ट दिया और उनका चयन हो गया। सतेंद्र की मुलाकात के बारे में डबास जी ने कुछ यूं बताया। तो ये मेरे पास जब इनके पिता श्री सतेंद्र को लेकर आए तो मैंने इनका तैराकी में टेस्ट लिया, देखा इसको, क्योंकि ये पहले से ही गांव में थोड़ी तैराकी सीखे हुए थे तो इनकी स्पीड अच्छी लगी मेरे को, खासकर बैक स्ट्रोक ये अच्छा कर रहे थे। और हाँ, टेक्निक इसको नहीं आती थी इतना, तो वो तो एक कोच का काम होता है टेक्निक सिखाना। और इन्होंने काफ़ी मेहनत की, रेगुलर रहे, सिंसियर भी थे, जो हम कोच लोग इनको बताते थे ये उसको फॉलो करते थे। और 2019 में ये शेफील्ड चैम्पियनशिप में गए, वहाँ कई मेडल इनके आए, कनाडा में भी आए, शेफील्ड में भी आए, ऑस्ट्रेलिया में भी आए। आखिर 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद साल 2009 में राष्ट्रीय पैरा तैराकी प्रतियोगिता कोलकाता में कांस्य पदक जीतने के बाद सतेंद्र ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहली बार 2009 में कोलकाता में नेशनल जो राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप पैरालंपिक की थी उसमें भाग लिया और वहां पर जाकर मैंने कांस्य पदक अपने प्रदेश के लिए हासिल किया। इस पदक ने हमारे हौसला और उत्साह को बढ़ाया, फिर मैंने इसको पीछे मुड़कर नहीं देखा। सतेंद्र सिंह लोहिया ने अभी तक राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में 24 पदक ही हासिल नहीं किए बल्कि अंतरराष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में भी 4 पदक हासिल कर देश का नाम रोशन किया है। मगर इतना सब कुछ करने के बाद भी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं और जीवन चलाने के लिए रोजगार की सख्त आवश्यकता थी। उसी दौरान ग्वालियर के तत्कालीन